सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। लेकिन यहाँ पे रेल मित्र के नाम पर जो बैठक है उसके इशारा करने की बात सामने आई है, इन सब मामलों से जांच करने का आदेश गोरखपुर के कमिश्नर को दिया गया है। इसमें दुर्घटना के कारण की जांच, विद्यालय की मान्यता, ड्राइवर की उम्र, क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में भरने की बात, कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका की जांच होगी, ईआरटीओ जो कुशीनगर के होंगे उनकी जांच होगी और घटनास्थल पर दुर्घटना के कारणों की भी जांच होगी। विद्यालय की भूमिका, विद्यालय के रजिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में जांच करके जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे। मैं जो पीड़ित परिजन हैं मेरी पूरी संवेदना उनके साथ में है। केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार, सभी उन सभी परिजनों के साथ में है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। इस प्रकार की दुर्घटना दोबारा न हो इस बात के लिए पुख्ता व्यवस्था करेंगे, लेकिन बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अगर किसी ने इसमें लापरवाही बरती है तो उनकी जवाबदेही तय होकर के हम कठोरतम कार्रवाई की। सर, जैसे इस तरह के रेलवे क्रॉसिंग कई है जहां फाटक नहीं लगा हुआ है, ये अनमैन्ड रेलवे क्रॉसिंग के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, रेलवे से भी बातचीत की जा रही है और इस बारे में हम पूरी जांच करवा कर। सर, मृतकों और घायलों को क्या क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए अभी हमने सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से दिया है। घायलों को 50-50 हजार रुपए देंगे, उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी हायर सेंटर में भी ले जाकर के।